दोस्तों कैसे आप लोग, मेरा नाम रजा खान, आप देख रहे हैं टेक बॉक्स। दोस्तों पिछले 6 महीने से मैं वीडियो बना रहा हूँ, 293 वीडियो डाल चुका हूँ। दोस्तों अब तक मेरा चैनल ग्रो नहीं कर रहा, व्यूज़ नहीं आ रहा, इस तरह का मामला आपके बहुत सारे यूट्यूबर जो भी है दोस्तों उनके साथ हो रहा है। तो कैसे होता है दोस्तों, थंबनेल अच्छा बनता है, डिस्क्रिप्शन भी अच्छा लगता है, टाइटल भी अच्छा लगता है, लेकिन एक बहुत ही बड़ा चीज़ जो है दोस्तों हम सब भूल जाते हैं और मैं खुद भूल रहा हूँ। 6 महीने से गलती मैं खुद कर रहा हूँ दोस्तों, वो ये है कि वीडियो में टैग लगाना भूल जा रहे हैं, और टैग भी ऐसा नहीं लगा रहे दोस्तों कि रन करें। तो दोस्तों मान लीजिए कि मैं कोई मोबाइल का, मान लीजिए इस मोबाइल का अनबॉक्सिंग करता हूँ या कुछ भी डालता हूँ, रियलमी 5 प्रो का अनबॉक्सिंग करता हूँ, तो अगर आप यूट्यूब में सर्च करेंगे रियलमी 5 प्रो अनबॉक्सिंग, तो बहुत सारे हज़ारों करोड़ों के हिसाब से वीडियोज़ आएंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं और अनबॉक्सिंग वगैरह डाल रहे हैं। तो आपका आप जो अनबॉक्सिंग किए हैं वो लिस्ट में कैसे आएगा? जैसे Realme 5 Pro लिखा कोई और अगर आप चेक कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका नाम नहीं आ रहा है, क्योंकि आपके पास व्यूज़ नहीं है, सब्सक्राइबर नहीं है, इस तरह का नहीं है, तो आप लिस्ट में कैसे आएंगे और किस तरह आएंगे दोस्तों? तो वही चीज़ मैं इस वीडियो में बताऊँगा, टैग लगाना बताऊँगा, क्योंकि दोस्तों अगर वीडियो यूट्यूब में जो है वो वहाँ पर कोई लोग काम नहीं करते, वो एक एल्गोरिदम के हिसाब से काम करता है। वो आपके दोस्तों टाइटल को देता है, डिस्क्रिप्शन को देखता है, और आपको टैग को देखता है, आपने टैग कौन सा लगाया है, वही हिसाब से वीडियो को रैंक करता है, वही हिसाब से वीडियो रैंक होता है दोस्तों। तो चलिए मैं एक चीज़ आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ, Realme 5 Pro का दोस्तों मैंने टैग लगाया, और टैग लगाने के बाद आपको क्या होगा, यहाँ पर मैंने ऐसे दे दूंगा, मगर यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, सबसे ऊपर में गौरव सर का है, उसके बाद अरुण सर का है, सॉरी, उसके बाद दोस्तों गौरव सर का, उसके बाद मेरा है, Realme 5 सिर्फ मैंने लिखा है, Realme 5 Pro, और यहाँ पर इस तरह का 3 शो हो रहा है। आप भी अपने चैनल अपने YouTube में चेक कर सकते हैं। तो 3 नंबर में मेरा जो वीडियो अभी रैंक कर रहा है वो कैसे कर रहा है दोस्तों, वो मैंने वहाँ पर टाइटल और उसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा चेंज कर दिया है, और उसके बाद दोस्तों मेन सबसे बड़ा मुद्दा है टैग, वो टैग को मैंने किस तरह लगाया हूँ, अगर कैसे लगाया हूँ वो सारा कुछ आपको बताएंगे। तो चलिए आपको वीडियो में लेके चलते हैं और वीडियो में बताते हैं कि मैंने कैसे लगाया। तो देखिए सबसे पहले आपको अपना YT स्टूडियो ओपन करना होगा। YT स्टूडियो ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको YT स्टूडियो दिखता होगा। YT स्टूडियो में यहाँ पर बहुत सारे आपका वीडियो नज़र आएगा जो आपने बनाया है। उसके बाद चलिए मैंने एक वीडियो को यहाँ पर जो मैंने वीडियो बनाया हूँ प्रमोट योर यूट्यूब चैनल वहाँ पर लेके चलता हूँ दोस्तों। उसके बाद ऊपर में एक पेंसिल दिखेगा, पेंसिल में आपको क्या करना, पेंसिल खोलते ही देखिए यहाँ पर टाइटल दिखेगा, आपका डिस्क्रिप्शन दिखेगा, और नीचे में टैग दिखेगा, ऊपर में प्राइवेसी और प्लेलिस्ट वगैरह आपको नज़र आएगा। तो ये टैग मैंने यहाँ पर लगाया हूँ अपने टेक बॉक्स, टेक न्यूज़, इस तरह का बहुत सारा मैंने टैग यहाँ पर लगा दिया दोस्तों। तो ये टैग आपको इस तरह लगाना है, यहाँ पर किस तरह लगाना है टैग वो भी बता सकते हैं कि यहाँ पर आप कोई भी टैग लिखिए, टैग के बाद कॉमा दीजिए तो वो एक टैग कहलाएगा, उसके बाद कुछ भी लिखिए और फिर जाके कॉमा दीजिए तो वो एक टैग कहलाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर आप डाल सकते हैं और इस तरह से आप अपना यहाँ पर टैग बना सकते हैं। तो टैग आपको पूरा चीज़ लिखना है, टैग सारा कुछ आपको जो जो आपके वीडियो में है वो चीज़ सारा कुछ आपको लिखना है। तो लेकिन यहाँ से अच्छा दोस्तों मैं आपको ये चीज़ सजेस्ट करूँगा कि आपने ब्राउज़र में जाइए, ब्राउज़र में ये चीज़ करेंगे YT स्टूडियो से अच्छा, तो वहाँ पर अगर आपको हो सकता है कुछ गलती वगैरह हो तो यहाँ पर गलती होने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये टैग का एक अलग अलग यहाँ पर बॉक्स बन जाता है। तो इस तरह से आप ओपन करेंगे, यहाँ पर आपको मोबाइल मोड में आएगा तो आप नीचे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपको डेस्कटॉप का, डेस्कटॉप का सिंबल वहाँ पर आ जाएंगे, तो डेस्कटॉप का हिसाब से आपका जो है दोस्तों खुल जाएगा, डेस्कटॉप में जैसे खुलता था, कंप्यूटर में जैसे खुलता है। फिर वहाँ पर आप जाएंगे दोस्तों ऊपर में अपने आइकॉन में, यहाँ पर आपको अपना यूट्यूब को लॉगिन करना होगा, उसके बाद वहाँ क्रिएटर स्टूडियो में जाएंगे। क्रिएटर स्टूडियो में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना सारा वीडियोज़ वगैरह दिखेगा, वहाँ सबसे ऊपर में जो रहेगा वही आपका अभी रिसेंट का जो है वीडियो, वो चीज़ आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो वो वहाँ पर आप चल जाइए, वहाँ पर बहुत सारा वीडियोज़ आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, बहुत सारा वीडियोस है यहाँ पर, मेरा व्यूज़ भी देख सकते हैं बहुत ही कम है, अभी 3-4 दिन पहले से ही मैंने टैग लगाना शुरू किया है। तो चलिए एक वीडियो में चलते हैं, जैसे यहाँ पर Redmi Note 5 Pro में जो नया अपडेट आया है MIUI 11 का, वो वाला में चलते हैं, वहाँ पर देखिए यहाँ पर अब घुस गए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि 3 से 4 टैग नीचे में आपको दिखता होगा। तो टैग को कैसे खोजना है, तो सबसे पहले आप अपना यूट्यूब ऑन कर लीजिए, यूट्यूब में आपका जो दोस्तों जो आप जिससे रिलेटेड बनाए वीडियो, जैसे मुझे Redmi Note 5 Pro में जो नया अपडेट आया उसके हिसाब से यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ Redmi Note 5 Pro MIUI 11.0.3.0,
अब इसमें जो जो वीडियो बना है, जिसमें जिसमें ज़्यादा व्यूज़ आए हैं, वो लोग कैसे अपना टैग लगाए हैं, कैसे मतलब टाइटल दिए हैं, वो ऊपर का जो चार होता है दोस्तों मेन, आप देख सकते हैं स्क्रीन में, रेडमी नोट 5 प्रो MIUI 11 न्यू अपडेट, रेडमी नोट 5 प्रो स्टेबल अपडेट रोल आउट, रेडमी नोट 5 प्रो MIUI 11.0.3.0 मैनुअली अपडेट। तो इसको दिमाग में रख लेना है और उसके बाद अपना खोल लेना है। वहाँ पर जाके नीचे में देखिए, ऊपर में सबसे ऊपर में टाइटल लिखाएगा, डिस्क्रिप्शन लिखाएगा और नीचे जो है दोस्तों वहाँ पर टैग लिखाएगा। तो टैग में दोस्तों मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ MIUI 11। देखिए यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, तो इस पर भी आपको ध्यान रखना है। अगर ये आप इसको पुट कर देंगे तो फिर जाके चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं अपना यहाँ पर लिख रहा हूँ MIUI 11.0.3.0 और उसके बाद आप कॉमा देंगे तो ये एक टैग बन जाएगा, देख लीजिए। फिर यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, फिर यहाँ पर लिख रहा हूँ Redmi Note 5 Pro, उसके बाद MIUI 11 या फिर Redmi Note 5 Pro न्यू अपडेट या न्यू कुछ भी आप लिख सकते हैं, जो आपका हिसाब से यहाँ पर सूटेबल होगा वो चीज़ आप यहाँ पर लिखिए। तो इस तरह से आप बहुत सारा चीज़ यहाँ पर लिख सकते हैं, अलग अलग टैग बना सकते हैं घुमा फिरा के, क्योंकि लोग जो सर्च कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि MIUI 11, इतने तो इंडिया के लोग खुराफात है दोस्तों, तो हर तरह से सर्च कर सकते हैं। आप लोग जानते ही हैं लड़की का नंबर चाहिए ये वो, लिख देते हैं कुछ भी। तो टैग भी उसी के हिसाब से आप अपने हिसाब से देसी लैंग्वेज में बनाइए, क्योंकि इंडिया के लोग देसी लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, वही हिसाब से टैग चुनते हैं, सर्च बार में जाते हैं वहाँ लिखते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। उसके बाद ऊपर में देखिए और नीचे में देखिए, वहाँ पर दोनों सेव का बटन है, वहाँ पर कर दीजिए। यहाँ पर ऊपर में बहुत सारा चीज़ मिलेगा, एंड स्क्रीन वगैरह, आई कार्ड वगैरह मिलेगा आपको। जैसे मैं यहाँ पर आई कार्ड में जाता हूँ, तो आई कार्ड में जाने के बाद दोस्तों मैं आई कार्ड में यहाँ दो चीज़ लगाया हूँ, जो ऊपर में आई बटन मिलता है वीडियो के ऊपर में, वीडियो के ऊपर जो आई बटन मिलता है दोस्तों, यहीं से उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं और डाल सकते हैं यहाँ पर। देखिए जैसे मैं दो चीज़ को यहाँ पर ऐड किया हुआ हूँ, देखिए आई बटन में मेरा ऊपर शो हो रहा है। तो इस तरह से आप भी अपना कर सकते हैं, यहाँ पर आई बटन एंड स्क्रीन और भी बहुत सारा चीज़ यहाँ पर आप आके चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह का बहुत सारा चीज़ आप यहाँ पर बना सकते हैं। अब आपको एक मज़ेदार चीज़ दिखाऊँगा दोस्तों कि इसमें मुझे फ़ायदा क्या हुआ था और किस तरह हुआ था दोस्तों। तो चलिए फिर से मैं ब्राउज़र में लेके चलता हूँ और अपने वापस से सारे वीडियो में लेके चलता हूँ। तो ये मैं आ गया हूँ दोस्तों, यहाँ पर मेरा सारा वीडियो का व्यूज़ पहले देख लीजिए। व्यूज़ जो है मेरा दोस्तों देखिए 55, 107, 53, 43, 31, 178, मतलब कोई भी व्यूज़ जो है दोस्तों यहाँ पर 300 के पार आपको नज़र नहीं आएगा। 118, 244, 156, 185, 209 इस तरह का व्यूज़ है। तो चलिए 6 महीना पहले मैंने एक वीडियो बनाया था दोस्तों, उसके आसपास का भी वीडियो दिखाएंगे और वो भी दिखाएंगे। तो चलिए यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग 6 महीना पहले वाला जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें कितना व्यूज़ आया है और किस तरह आया है और वो वीडियो रैंक कैसे कर रहा है वो सारा कुछ दिखाएंगे। तो चलिए लिस्ट खोल लिए यहाँ पर, देख लीजिए 6 महीना पहले का 144, 108, 95, 196। तो इस तरह का बहुत सारा देखिए वीडियोस है मेरा, उतना 300, 400 तक तो गया ही नहीं है, 300 तक तो गया ही नहीं है। लेकिन दोस्तों अभी आपको जो एक चीज़ दिखाएंगे यहाँ पर देखिए, एक वीडियो जो है मेरा जिसमें मैंने उस टाइम टैग लगा दिया था 3258 और ये जो है ये कंटिन्यू एवरी डे चल रहा है। यहाँ पर 74 लाइक भी दिखा रहा है और ये क्या है, न्यू बॉलीवुड मूवी 5 मिनट में डाउनलोड करें कैसे, इसके एडिट में जाएंगे और आपको दिखाएंगे दोस्तों कि किस तरह मैंने यहाँ पर टैग लगाया था। ज़्यादा नहीं, 4 से 5, 6, 7, 8, 9 टैग लगाया था दोस्तों। तो इस तरह का मैंने यहाँ पर टैग लगाया था और डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखा था, डिस्क्रिप्शन तो नहीं लिखा था, टाइटल वगैरह लिखा था और थंबनेल बनाया था। उसके बाद दोस्तों आपको दिखाते हैं कि ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर वाला जस्ट 95 जिसमें है दोस्तों वीडियो 95 व्यूज़ है, उसमें आपको दिखा दे रहे हैं कि उसमें मैंने कौन सा टैग लगाया था तो किस वजह से उसमें 95 व्यू रह गया है। तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर मैंने पहले इस तरह से कॉमा और कोट्स दे के लिखता था दोस्तों, कॉमा नहीं देता था, कोट्स देता था और इस तरह से लिखता था तो ये चीज़ रन नहीं करता था टैग, मतलब मैं गलत लिखता था, जिस तरह से लिखना चाहिए उस तरह से नहीं लिखता था। तो यही हिसाब से दोस्तों मेरा वीडियो रन नहीं होता था, वीडियो प्लेलिस्ट में आते ही नहीं था, जिसके वजह से नहीं। तो मैं अपना टेक न्यूज़ देता हूँ, तो टेक न्यूज़ के हिसाब से दोस्तों मैं अपना लिख चुका हूँ थोड़ा बहुत, उसको नोट में मैं नोट कर लेता और वहीं से कॉपी पेस्ट करता हूँ अपने सारे वीडियो में कर रहा हूँ। सारे वीडियो में नहीं हुआ, कुछ वीडियो में हुआ है तो इस तरह से लिखे। उसके बाद दोस्तों आप ऊपर में आपका जो भी, जैसे मेरा टेक चैनल है टेक न्यूज़, तो टेक न्यूज़ हिंदी, टेक न्यूज़, टेक न्यूज़ ये, टेक न्यूज़ वो, टेक न्यूज़ फलाना, टेक न्यूज़ ठिकाना, वो सब मैंने लिख दिया हूँ, क्योंकि कोई भी लोग अगर
चेक करें, या टेक न्यूज़ अगर सुनने का ख्वाहिश रखते हैं तो लिखेंगे तो आज का डेली टेक न्यूज़ वगैरह आ जाएगा, तो इस तरह का है। उसके बाद जो आपका अंदर में आप जो बके हैं या जो चीज़ बोले हैं या जो चीज़ बता रहे हैं वो चीज़ मैं लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ पर रियलमी एक्स, फिर जाके सैमसंग, फिर जाके नोकिया, फिर जाके बहुत सारा चीज़ यहाँ पर आप यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं। इस तरह का आप जो भी है यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे रेडमी नोट 7 प्रो वगैरह मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इस तरह से। दोस्तों अपना टाइटल को यहाँ पर जो टाइटल है उसको घसका के आप देख सकते हैं और लिख भी सकते हैं। यही वजह से मैं बता रहा हूँ कि YT स्टूडियो में अगर आप ये चीज़ लिखेंगे तो वहाँ पर आपको दिखेगा नहीं, बार बार ऊपर जाना होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है ब्राउज़र में आपको सारा कुछ दिखेगा। हाँ दोस्तों, लेकिन एक बात कि कॉमा देंगे तो ही दोस्तों ये एक तरह का बॉक्स बनेगा और आपका टैग बनेगा। अगर स्पेस देंगे तो स्पेसे रहेगा और इंटर मारेंगे तो नीचे आ जाएगा, टैग नहीं बनेगा। तो टैग बनाने के लिए वही करना होगा कि आपको अपना जो भी है टैग देना होगा, टैग लिखना होगा, उसके बाद दोस्तों आपको वहाँ पर कॉमा देना होगा। कॉमा देंगे तो ही बनेगा। इस वजह से मैं यही चीज़ बोल रहा हूँ कि आप अपना ब्राउज़र में करिए, टैग वगैरह ब्राउज़र में लगाइए, ना कि दोस्तों YT स्टूडियो वगैरह आप यूज़ करिए। और अगर यहाँ पर अगर गलत हो जाता है कहीं पर दोस्तों, तो गलत होने के बाद आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको काट देना है। काटने के बाद इस तरह से आप काट सकते हैं इस तरह से दोस्तों, फिर से जैसे फोर्टनाइट वगैरह मैंने टेक न्यूज़ में बताया हूँ, तो टेक न्यूज़ में इस तरह से फोर्टनाइट लिख के यहाँ पर ऑटो करेक्शन वगैरह होता है, तो आप जानते ही हैं कीबोर्ड का मामला है तो चेंज हो सकता है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर गलत होगा तो आप पटम पुटिंग जो क्रॉस का निशान दिखा रहा है वहाँ पर आप जाइए, वहाँ पर काट सकते हैं, इसको आप काट के बना सकते हैं। इस तरह से आप कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद क्या है कि यहाँ पर आप अपना सारा कुछ लिख दीजिए। उसके बाद लिखने के बाद ऊपर में देखिए सेव का बटन है, वहाँ पर जाइए अपना सेव कर दीजिए। आप जितना आपको लिखना है लिख लिए, उसके बाद आप अपना सेव कर दीजिए। तो इस तरह का आप इसको कर सकते हैं आसानी से, किसी तरह की दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी दोस्तों। आप यहाँ से अपना लिख सकते हैं। जो मेरा स्क्रीन में नया लाइव वॉलपेपर दे रहा है, इससे मैंने रिलेटेड एक वीडियो बनाया हूँ, उसको मैं आई बटन में दे दूँगा। MIUI 11 वगैरह जिसके पास है तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिए, और कोई भी सवाल है तो ज़रूर करिए। और दोस्तों डेली टेक न्यूज़ में मैं कुछ लोगो देता हूँ, इधर या इधर शो करता है, वो लोगो का नाम बताइए नीचे कमेंट में दोस्तों। मैं YouTube कमेंट पिकर से वो पिक करूँगा और आपके चैनल को प्रमोट करूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट, अपने दोस्तों कम्युनिटी टैब में डालूँगा। तो अभी आप जाके एक दोस्तों RJ न्यू ब्लॉग करके जो है दोस्तों YouTube चैनल, उसको मैंने प्रमोट किया था, तो वहाँ आप जाके देख सकते हैं, उन्हें जाके सपोर्ट करिए मेरे भाई को। अपना आप कमेंट डालिए दोस्तों, तो मैं आपका भी दोस्तों प्रमोट करूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ये मेरा आपसे वादा। चलिए दोस्तों, उम्मीद है वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, और आप नया मेहमान आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस तरह का खतरनाक वीडियो और टेक न्यूज़ वगैरह और बहुत सारी YouTube से जानकारी हम आपको देते रहेंगे। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए बाय।